कैंसर एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। कैंसर के कई अलग अलग प्रकार हैं और कई संभावित कारण भी हैं। खाने पीने से जुड़ी गलत आदतें भी कैंसर का एक प्रमुख कारण है। हालांकि जन्मजात कारणों का रोकना मुश्किल है, लेकिन बाहरी कारक जैसे जीवन शैली और खान पान की आदतों पर कंट्रोल करके कैंसर से बचा जा सकता है। शोध से पता चलता है कि 80-90% घातक ट्यूमर बाहरी कारकों से संबंधित होते हैं। अगर आपको कैंसर से बचना है तो आपको सबसे पहले खाने पीने से जुड़ी आदतों में सुधार करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है रोजाना खाई जाने वाली कुछ चीज़ें शरीर में धीरे धीरे कैंसर पैदा कर सकती है। कुछ खाद्य पदार्थ टाइप 2 डायबिटीज मोटापे के जोखिम को बढ़ा सकते हैं तो कुछ कैंसर से जुड़े होते हैं। कई खाद्य पदार्थों में कार्सिनोजेन्स होते हैं जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनमें कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। चलिए जानते हैं कि किन खाद्य पदार्थों के बारे में शोधकर्ताओं ने बताया है जो विभिन्न प्रकार के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। पहला है सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा। मोटापा कई तरह के कैंसर का कारण बनता है, इसलिए स्वस्थ वजन बनाए रखना जरूरी है। नियमित रूप से सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा जैसी चीज़ों का सेवन करने से मोटापा बढ़ता है और यह समस्या आगे चलकर कैंसर पैदा कर सकती है। दूसरा है फास्ट फूड। फास्ट फूड जिसे जंक फूड भी कहा जाता है, इसमें जहरीले रसायन होते हैं जो कैंसर और कई अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बनते हैं। एक अध्ययन के अनुसार फास्ट फूड में फटालेट्स होता है। फटालेट्स एक यौगिक है जो प्लास्टिक सामग्रियों को लचीला बनाता है। यह रासायनिक यौगिक कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें कैंसर, इनफर्टिलिटी, लीवर डैमेज, यहाँ तक कि अस्थमा अटैक भी शामिल है। अगला है शराब। बहुत से लोग कभी कभार शराब पीने का आनंद लेते हैं। डॉक्टरों का सुझाव है कि शराब का सेवन जितना हो सके कम करना चाहिए। शराब के सेवन से कैंसर के कई रूप जुड़े हुए हैं, जिनमें पेट, ब्रेस्ट, लीवर, मुंह, गला और एसोफेगस आदि शामिल है। जब आप शराब का सेवन करते हैं तो आपका लीवर अल्कोहल को एसिटाइलडिहाइड में तोड़ देता है। अगर आप भी बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं तो खाना कम कर दें, इससे कैंसर जैसी बड़ी समस्याएं हो सकती है।